एवरीबॉडी, वेलकम टू जैक्स फार्म. अच्छा लगा आप यहाँ आए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बॉन्जोर. इस तरफ आइए लेडीज एंड जेंटलमैन. टिकट विंडो उस तरफ है, कोई लाइन नहीं है. शो का मजा लीजिए और वापसी पर सुवेनिर शॉप में जाना मत भूलिए. आज 10% डिस्काउंट मिलेगा. सपने में भी मत सोचना जैक. आज के शो के लिए बस इतनी पब्लिक. लोगों को शॉपिंग करनी है, क्रोकोडाइल्स नहीं देखने. डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, घबराने की कोई बात नहीं है. पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कौन सा तुम्हें हटाने में लगा है? हर रोज. पैसे वापस लो जैक और किसी नई जगह पर जाओ. जाना है तो तुम जाओ. डोनल चाहिए? नो थैंक्स. सुनो, उस पिंक जैकेट वाली पर नजर रखना, मामला गड़बड़ लगता है. ओह मैन, मुझे करना ही पड़ेगा क्या? तुमसे बहुत बड़ी है. क्यों, तुम्हें लगता है वो ब्यूरो से है? पता नहीं, लेकिन उस पर नजर रखना. ऑल राइट. ओके. रुको 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 रुको, मुझे दो. रुक जाओ, मुझे दो. तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं. टीओ से करवाओ, कॉलेज में उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. क्यों नहीं, खेला चलाने वाला. हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाएगा उसे. तुम्हें एक और गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं जैक. अच्छा. आराम से. ओ, सिर्फ 3 बॉल बाकी है लेडीज एंड जेंटलमैन. अब देखिए किसकी बारी है. ओ माय गॉड, न्यूयॉर्क आगे निकल गया है. न्यूयॉर्क जीत रहा है. ऑल राइट, आगे बढ़ते जाओ. कम ऑन लेकर्स, हो जाए कुछ हंगामा. ये आया न्यूयॉर्क. ओ, सिर्फ 1 बॉल बाकी है. चलो न्यूयॉर्क, उसे नाराज मत कर देना. थोड़ा जोर लगा, वो पीछे रह गई है और जीत एले की. वाह, क्या बात है. जरा देखो, तालियां हो जाए. ओ थैंक यू, थैंक यू. ऑल राइट, यहाँ कोई है जो फुटबॉल खेलना चाहता है? यहाँ तो पूरी टीम तैयार है. ठीक है, गोली कहाँ है? कौन बनेगा गोली? तुम? यस. ओ यहाँ आ जाओ. ऑल राइट फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज जॉन. जॉन, ओके. सुनो जॉन, सामने वाली टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं. तुम तैयार हो गोलकीपिंग के लिए? यस. सचमुच तैयार हो? यस. तो ठीक है, आ जाओ यहाँ इस तरफ. कम ऑन दिस वे. ऑल राइट, हो जाओ शुरू. अरे वाह, क्या बात है, गोल हो गया. ओ आ गई. चलो फिर से. ओ क्या बात है, पकड़ा पकड़ा. ओ नो, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. गोल बचाओ. ओ नो. ओ अरे, गोल हो गया है. शाबाश. बस करो बस करो, हमें तुम पर नाज है. बहुत अच्छा खेला. आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसा खेला ये लड़का, अच्छा या बुरा? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है दुनिया का सबसे बड़ा आदमखोर. इसके जबड़े आदमी की खोपड़ी को कुचल सकते हैं. लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मौजूद है हमारा रेसलर एजी, जो क्रोकोडाइल से लड़ने वाला है. क्या वो उसे खत्म कर सकता है? ये क्रोकोडाइल तो बहुत ही खतरनाक है. क्या ये इससे बच सकता है? अभी पता चल जाएगा. इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है और हमें अपने लोगों की फिक्र भी है. तुम तैयार हो एजी? पक्की बात? ओके, तो मौत का खेल पेश है लेडीज एंड जेंटलमैन. ओ देखिए, कितने फोर्स ये क्रोकोडाइल के सर के ऊपर से निकल पड़ा है. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो ऐसा करता ही रहेगा. अब चैलेंज करेगा एजी का छोटा भाई. अब ये क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर अपना सिर डालेगा. डू नॉट ट्राई दिस एट होम. बहुत ही होशियार और ब्रेव यंगस्टर है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. हे, तुम अपना हेड क्यों नहीं डालते? क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो सकती है. एक सेकेंड, मुझे कुछ नहीं हुआ. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा किया. और भी एंजॉय कीजिए, लौटते वक्त सुवेनियर शॉप में जरूर जाइएगा. ए, कुछ कहा उसने?
हाँ वो तुमसे मिलना चाहती है। बिंगो। पता नहीं क्यों पर शायद किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर से है, उसका नाम है एविलिन लैम्बोंग। ये जरूर कॉन्गसोंग का ही काम है। वो तुम्हें हटा के ही रहेगी जैक। हाँ मगर आसानी से नहीं। उसके पर्स में एक सांप डाल दूं? नहीं मैं निपटता हूँ। कांग्रेचुलेशंस, हमारे पार्क में एक स्कीम चल रही है और तुम आज की 50th कस्टमर हो, इसलिए तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। क्या गिफ्ट है? किसी भी रेस्टोरेंट में एक डिलीशियस सुशी डिनर, और तुम अकेली हो इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने वाला हूँ। मुझे रिश्वत दे रहे हो मिस्टर मक्वीड? नहीं, एक क्यूट से चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल देखना चाहता हूँ। मुझे खाना खिलाने के बजाय अपने जानवरों को खिलाओ तो बेहतर रहेगा। ये तो प्यार की पुकार है। सभी एनिमल्स में क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा हॉट और होते हैं। रियली? साइंटिफिक फैक्ट है। अगर साइंस की बात है तो एक चीज दिखाऊं? जरूर। ये छोटे मोटे गोले देख रहे हो, ये कीड़े मकोड़े हैं। तुम अपनी चिड़ियों को पैरासाइट्स खिला रहे हो मिस्टर मक्वेड। हाँ मगर देखा जाए तो टेक्निकली इनमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा है। राइट। खाना रखने की जगह ठीक नहीं है, पानी खराब है। मैं खुद वही पानी पीता हूँ। और मटन भी फ्रेश नहीं है क्योंकि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर नहीं चलता। ओ, जरा रुको रुको, एक सेकंड मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। रेफ्रिजरेटर नहीं चलता है क्योंकि पावर किसी ने काट दी है, और शायद तुम्हें उसी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पावर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। राइट। पर तुम जानती हो इसके पीछे कौन है? कहना क्या चाहते हो मिस्टर मक्वेड? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, किसी की बातों में नहीं आती और अपना काम खुद तय करती हूँ। हाँ हाँ, जिसमें मेरा नाम सबसे आगे है। तुम किसी चीज में आगे नहीं हो मिस्टर मक्वेड। 24 आवर्स में सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए। मैं कल आकर देखूंगी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। फिर हमारे सुशी डिनर का क्या होगा? मैं वेजिटेरियन हूँ। तो कुछ बात बनी? वो कॉन्गसोंग के लिए काम करती है, और क्या हो सकता है। तुम्हारे पास वो कैमरा है? हाँ तैयार है। चलो उसे काम में लाएं। चाहिए उसके बाद तुम और तुम्हारे साथी प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे। ना फोन भी मत करना। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो बाद में बात करेंगे जी। उसने पैसे भर दिए। वो उसकी बहन है ना साली, मैंने कहा उसको घर से निकलवा दो। इतना आसान थोड़ी है, प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। मुझे 2 हफ्ते के अंदर वहाँ से रास्ता बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे हटाना ही पड़ेगा। गवर्नर साहब से बात हुई? आज शाम 8 बजे बुलाया है। चैन को बता दो। मैंने तुम्हें इसलिए काउंसलर नहीं बनाया कि मैक्वेड मुझे प्रॉब्लम में डाल दे। सभी जानते हैं कि उसने दुनिया भर से उधार लिया हुआ है। सान उसे टैक्स वसूल करने जाने ही वाला है, और एनिमल वेलफेयर वाले भी वहां जाएंगे। एनिमल वेलफेयर? वो साले लोग क्या कर सकते हैं? उसका पार्क बंद कर सकते हैं। घेर लो, चारों ओर से। चलो
सब तुम्हारी जमीन पर बनेगा। क्या कह रहे हो? ओ, 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 निकालो बाहर उन दोनों को। निकलो निकलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कॉन्गसोंग? लाओ मुझे वो दो। नो वे। तुम्हारा खेल खत्म मैकवेड। तुम हार गए। पैसे लेकर यहां से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चलो सब काम पे लग जाओ। सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, सारी मेहनत नहीं। ओ दियो, क्या बात है। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। चीयर्स। चीयर्स। मुझे यहाँ की बहुत याद आएगी। हाँ, मगर स्कूल तो जाना ही है। तो तुम उन फोटोज का क्या करोगे? जज को दिखाऊंगा। क्या ऐसी नौबत आएगी? हाँ, आज नहीं तो कल। बहुत स्वीट है। हे, कहाँ गई थी? कितनी बड़ी है? आई थिंक 12 इयर्स की है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो यार? तुम्हारी उम्र लाइन मारने की नहीं है। वो बस एक बच्ची है। वो यही आ रहा है। हाय, आई एम थियो। ओ हाय जैक। यस मिस्टर फैन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लास्ट 3 मंथ से तुम हमें चकमा दे रहे हो। मे आई सिट डाउन? प्लीज सिट डाउन। और क्या पियेंगे आप? ड्रिंक चलेगा? नो थैंक यू, बस एक मिनट का काम है। ठीक है, देखिए मैं जानता हूँ मेरी पेमेंट बाकी है। लगता है तुम्हारा फ्रेंड किसी मुसीबत में है। पैसे की तंगी है। टैक्स भरना जरूरी है मिस्टर मैकवेट, वरना ये लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। क्या मुझे अरेस्ट करेंगे? 3 मंथ्स बैक मैंने आपको नोटिस भेजा था। 75,000 रुपीज? इट्स इम्पॉसिबल। पिछली बार तो सिर्फ 5,000 रुपीज थे, ये तो सरासर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर रोज बढ़ता जाता है, आपको अभी के अभी भरना पड़ेगा। ये यहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ, सिर्फ ये मिस्टर फैन मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं, बाकी सब तो ठीक है। अब वो किस लिए? मिस्टर मैकवाइट से गवर्नमेंट को ₹75,000 लेने हैं। ओह, ₹75,000? तुम्हारी पॉकेट में 75,000 है क्या? नहीं, पर शायद कार में है, लेके आऊं? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड पर नजर रखना। तुम लोग मेरे साथ चलोगे? नहीं, ये यहीं रहेंगे। आप थियो के डैडी हैं? नहीं, मैं उसका अंकल हूँ। ओह अंकल, क्या वो सचमुच रिच है? हाँ हाँ, बहुत ही रिच है। तुमने अमेरिका में जेसी पैनी डिपार्टमेंट स्टोर का तो नाम सुना होगा। वो उसका है क्या? हाँ, उसका बहुत सारा हिस्सा। चलकर मेरी सिस्टर से मिलिए, बड़ा मजा आएगा। कम ऑन। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Nice to meet you. So Jack, yes? हम यहाँ पर आग लगाने वाले हैं और तुम्हें समंदर में छलांग लगानी है। आओ। ओके। आओ तो सही। ठीक है। ओके, मैं पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, टैक्स नहीं भरा है, कहाँ गया वो? पकड़ो उसे, पकड़ो।
यू डिजर्व अ प्राइज। ये उन गर्ल्स का आइडिया था। ओह, काफी स्मार्ट है। आई एम इन लव जैक। देखो तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। कोई बात नहीं। हेलो, यू गाइस ओके? थियो, जेसी, पेनी। ये तुम्हें किसने बताया? जैक ने। तुम ठीक हो? अभी अभी एक लड़की से मिला हूँ जिसने मुझे दीवाना बना दिया है। कैसी लड़की? मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। कल फोन करना। मॉर्निंग मॉर्निंग। बाय बाय शैम्पू हाथ बॉयफ्रेंड। तुम लोग आगे जाओ, हम लोग यही रुकते हैं। पीटर को शरारत सूझी है। यू लेटर। ज्यादा मस्ती मत करना पीटर, क्लिप हमें सब बताती है। This is great. It's going to be a nice day tomorrow. You should come to New Zealand with me. This island is too cold. I'll keep you warm. Is that all you ever think about? Most of the time. Then you should stay here. Well, and you're gonna be nice to me. Very nice. मुझे परमिट कल के कल चाहिए, समझे? नहीं, एक महीने से टाल रहे हो तुम। मिस नामबोंग आई हैं। हाँ, फिर तो कल दोपहर तक नहीं भेजा तो मेरा काम साल भर के लिए रुक जाएगा, समझे? कल दोपहर से पहले, ओके? कोई बहाना नहीं चाहिए। देर से आने का शुक्रिया। तुम आज मैक्वेट क्रोकोडाइल फार्म पर गई थी ना? यस। कैसा रहा? सब ठीक रहा। कोई गड़बड़ नहीं हुई? छोटी मोटी गलतियां हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं। मैं कल जाकर देख लूंगी। क्या मिस्टर क्लून से बात की? नहीं, अभी तक फोन पर नहीं मिल पाए। यानी कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इस जगह के बारे में हमें कितनी शिकायतें मिली है? नहीं। कैसे समझाऊं? शहर के बहुत से लोग, जिनमें से काउंसलर्स भी शामिल हैं, ये चाहते हैं कि ये पार्क बंद हो जाए। एनिमल्स का ऐसे हालात में रहना ठीक नहीं है। जब तुम कल आओगी तो हमारी इस बात से तुम भी सहमत होगी। मुझे भी एनिमल्स की फिक्र रहती है। गुड, तो हम एक दूसरे को समझ गए। तो अब इजाजत दीजिए मिस नामवोंग। अच्छा, मिस नामवोंग, कल आपकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। गुड इवनिंग। Kong Song, what's going on? अभी एक एक्सीडेंट का पता चला। कैसा एक्सीडेंट? मेरी सिस्टर ने देखा कि एक क्रोकोडाइल ने एक लड़की पर हमला कर दिया। क्रोकोडाइल? यस सर। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। उस लड़की को पहले भी देखा था और बीच पर कुछ कपड़े भी मिले हैं। और
आई श्योर वो एक क्रोकोडाइल था? एब्सोल्युटली श्योर सर। उसकी पूंछ जोर से पानी उछाल रही थी और बहुत सारा खून था वहाँ। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। मैंने सुना कुछ कपड़े मिले हैं। बीच पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है सर। तो तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? इस एरिया में 20 साल से कोई मगरमच्छ नहीं दिखा सर। कपड़ों के नीचे मुझे ये सामान मिला। पीटर डेविड सर, न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस। पता करते हैं, शायद यहीं कहीं रहता होगा। कम या कम या। आ जाओ, कोई बात नहीं। जानता हूं तुम अकेले रहना चाहते हो। वो लोग आज रात नहीं आएंगे। मैंने पहले ही पैसे जमा करवा दिए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है एलिसन। वेल, अपने भाई को जेल में देखने से तो अच्छा। ओह नो, नॉट अगेन। तुमने बिल नहीं भरा? जरा तुम ब्लैंकेट से इन्हें ढक तो दो। वक्त हो रहा है? मिडडे। सचमुच तुम पागल हो। मैं बस देखना चाहता था तुम वाकई हो कि नहीं। हाउस अंकल जैक? सुबह से मुलाकात नहीं हुई है। क्या हम लोग फिर मिल सकते हैं? मैं 4 बजे तक स्कूल में रहूंगी। 4? मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। हियो, हियो। क्रोकोडाइल फॉर्म पर कुछ प्रॉब्लम है, जाकर देखो। कैसी प्रॉब्लम? तुम जाओ तो सही। हे सुनो, मुझे जाना होगा। की बाद में फोन करना। थियो, कितनी जल्दी फोन करता है। नहीं करने से तो अच्छा है। क्लिप को देखा? नहीं तो वो कल रात लौटी नहीं है। शायद पीटर के साथ होगी। मैंने उसे मना किया था। उसके हॉटल का नंबर है? नो, वो हिल्टन में रहता है। कान्या जल्दी करो। 1 मिनट रुको, मुझे जोर की लगी है। जब मैं अंदर हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तकलीफ होती है। पीटर डेविडसन को दीजिए प्लीज। कौन से बीच पर? क्या उन्होंने बताया किसके साथ? थैंक यू। क्या हुआ? उन्हें पीटर का वॉलेट और कुछ कपड़े बीच पर मिले। और क्लिप कहाँ है? वो लोग कल रात होटल नहीं लौटे हैं। तुम कान्या के साथ रहो, हमें जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन। क्या हुआ? किसी ने क्रोकोडाइल को छोड़ दिया। कितने?
लगता है तीन, दो तो नदी में थे, एक होटल के फिश पॉन्ड में। कम बैक, वापस आ जाओ। अरे सुनो, तुम्हारे पास कोई गन नहीं है क्या? डोंट वरी सर, सब कुछ कंट्रोल में है, बैग लेकर आओ। वेल डन गाइस, अच्छा हुआ उसे कंट्रोल में ले लिया। Excuse me, ma'am. आइए। पुलिस ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन हमें पता चला है कि कल रात इस बीच पर से दो टीनेजर लापता हुए हैं और उनकी खोज जारी है। सर, यह मिस सिंह और उनकी सिस्टर। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या यही वो जगह है जहां पर आपने अपनी सिस्टर और मिस्टर निकोलस को आखिरी बार देखा था? यस। क्या आपको कपड़े और वॉलेट यहीं पर मिले? यस, वहां पर। कल रात आपने उन्हें कितने बजे छोड़ा? अंधेरा होने से पहले। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है पानी के साथ कहीं दूर बह गए हों। आपको लगता है वो जिंदा होंगे? हो सकता है। कल रात एक तूफान चला था, यहाँ पर बोट्स खोज रही हैं। आपकी सिस्टर स्विम कर सकती थी? बहुत अच्छी तरह, जी हाँ। एक्सक्यूज मी सर, यही रुकिए प्लीज। दरवाजा खोलो, हटिया यहाँ से। मेरा भी रिक्वेस्ट ला कर दो और थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। क्या लगता है इस पैर के बिना वो जिंदा बची होगी? समुंदर में तो कोई उम्मीद नहीं, इतना खून बहने के बाद वो मर गई होगी। इन्हें से Do you think she could survive with this missing? Not if she was in the sea. She'd bleed to death in minutes. देखकर तो लगता है कि ये दांतों के निशान हैं, लेकिन प्रॉपलर भी हो सकता है। अब्रॉड का प्रॉपलर? दूसरा और कौन सा होता है? क्या ये क्रोकोडाइल हो सकता है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। वैसे क्रोकोडाइल या शार्क हो सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। हाँ, वो मुझसे बात कर चुके हैं। इसकी एज क्या थी? 18 ईयर्स। जब भी इस तरह की चीजें मेरे सामने आती हैं, लगता है मेरी बीवी बेकार में मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। सर, जैक मैकवायर्ड ने यहाँ से थोड़ी दूरी पर नदी में अपना एक क्रोकोडाइल पकड़ा था। बोरियों को हटा लो। डॉक्टर को बुलाया क्या तुमने? आता ही होगा, इसकी हालत खराब है। मैं जाकर पेरोक्साइड लाता हूँ, घाव साफ करने होंगे, इसका फौरन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। She's back.
सुनो, तुम गलत टाइम पर आई हो। क्या हुआ, वो ठीक तो है? कल रात किसी ने मेरे 3 क्रोकोडाइल्स को खोल दिया। ये टाओ लैंग के पास जाल में फंस गए थे। तो अब तुम क्या करोगे? पहले ये बताओ कि तुम क्या करोगी। कल जो बताया वो सब ठीक कर लिया। तुम्हें लगता है कि मुझे उसके लिए टाइम मिला? कोई मुश्किल काम तो नहीं था मिस्टर मैक्वेड। हाँ ठीक है, लेकिन कोई क्रोकोडाइल्स को खोल दे तो उन्हें हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए, शायद सचमुच कोई तुम्हारा बिजनेस बंद करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, नाम लिया और शैतान हाजिर। हाउ आर यू फिल? मेरे पास ऑर्डर्स है जैक, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? सबसे पहले तो ये पब्लिक की सेफ्टी की बात है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया फिर? हमें पता चला है तुम्हारे 3 खोए हुए क्रोकोडाइल्स के बारे में। हाँ जरूर पता होगा। इसमें कॉन्ग सॉन्ग का कोई लेना देना नहीं है। वो फेंस की तार काट के आया फिल, वो कई महीनों से मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे क्रोकोडाइल्स ने पिछली रात को कुछ टीनेजर्स को मारा। नो वे, हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस है, यहाँ तक कि आई विटनेस भी है। नहीं, मेरे क्रोकोडाइल्स किसी को मार नहीं सकते। जब तक साबित न हो जाए ये जगह बंद करनी पड़े। पर ये पागलपन है। हमने 2 को तो पकड़ लिया है और तीसरा, ये सीरियस मामला है जैक। अगर तुम्हारे क्रॉक ने ये किया है तो तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। अब तक तो ये बात प्रेस से हमने छिपाए रखी है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो टूरिस्ट आने बंद हो जाएंगे। पर इतने मुकदमे चलेंगे तुम बर्बाद हो जाओगे। दरवाजों पर ताले लगा दो। क्या इसे भी तुमने पकड़ा है? यस। इसे काट कर देखना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनर कुछ देर में यहाँ आता ही होगा। तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे? हमें देखना होगा इसके पेट में क्या है। उसने कुछ भी नहीं खाया है। सुनो, वो शिकार करके खाना नहीं जानते हैं क्योंकि वो कैद में पले बड़े हैं। ये सही कह रहा है सर्जन डेंग, अगर इसने कुछ खाया होता तो इसका पेट फूल गया होता। ये बिल्कुल खाली है। और वो दूसरा वाला क्रॉक, उसे पास वाले होटल से पकड़ लिया गया था, उसने किसी को कुछ नहीं किया। हे, टीवी पर दिखा रहे हैं, एक आई विटनेस मिला है जिसने लड़की पर हमला होते हुए देखा है। तुमने एक लड़की को पानी में किसी को पुकारते हुए देखा? वो चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी, फिर क्या हुआ? दूध चाहिए? नो। शक्कर? लाई और okay. पानी में दौड़ने लगी, फिर डूब गई। और तब तुमने वो क्रोकोडाइल देखा? hey! ये क्या तमाशा है एंडी? उन्होंने मैक्वेट का फार्म बंद करवा दिया है। ये क्रोकोडाइल क्या है? इसी की खबरें आ रही हैं टीवी पर। तो वो मैक्वेट जाने, हमें क्या? इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें अकेला छोड़ दो। हम लोग रेस देखने जाएंगे ना? बाद में, अभी जाओ। अभी मेयर का फोन आया था। जानते हो इससे टूरिस्ट बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? वो क्रोकोडाइल हमारा नहीं है, अब तो मैक्वेट को जेल जाना ही पड़ेगा, वो जगह हमें मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसमें तुम भी शामिल हो तो उनकी छुट्टी करवा दो जिनसे काम करवाया है। समझ गए? हाँ। तुमने जो पैसे जुए में हारे वो मैंने चुका दिए हैं, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। अगली बार मैं ही जीतूंगा। तो हो ना? काश वो लोग पानी में नहीं जाते, थियो आया है। बात क्या है? चले जाओ यहाँ से, हमसे दूर रहो। मगर हुआ क्या? तुमने हमारी सिस्टर को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे उस क्रोकोडाइल ने मारा। ये झूठ है। Just get out of here.
आर यू थियो? या तुम चौंपू से मिले? हाँ। वो तुम्हें पसंद करती है। बाद में मिलूंगी। मेरा नाम कान्या है, घर में सबसे छोटी हूँ। स्किन सेफ रहेगी। ओके, ये तुम्हें अपनी नाक पर भी लगाना है, नाक के ऊपर। नहीं, नहीं। और अब तुम हाँ आ जाओ ऊपर। हाँ बच्चों जैसी बातें करते हो। जल्दी से इन बच्चों को पानी से बाहर निकालो। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है। कौन सा क्रोकोडाइल? जो इंसानों को खा जाता है। अच्छा जोक है। आई एम नॉट जोकिंग। बच्चों को पानी से बाहर निकालो। अच्छा बच्चों, चलो बाहर आ जाओ। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम लोगों को अभी के अभी पानी के बाहर आना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं आना है। तो खाने दो क्रोकोडाइल को इधर। वहाँ पे अरे वहाँ पे उसने बच्चे को पकड़ लिया है। हाँ तो बच्चे को खा गया। तो तुमने देखा वहाँ पर? प्लीज टैंक में हवा दो। ये क्या हो रहा है? क्रोकोडाइल ने बच्चे को पकड़ा है। वो किधर गया? नीचे चले कहाँ है? शहर गया है। मुझे एक बैंक सीट चाहिए। हाँ, बिलाई, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। You're okay. नहीं, वो जिंदा है, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए।
नहीं, एवलिन वो उसे दूर ले गया है, हमारे टैंक्स में उतनी हवा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। तुम ठीक तो हो? 20 फुट लंबा सॉल्टिक है, बच्चे को समंदर में ले गया। तुम वहां जाना चाहते हो? हार्पून के बगैर तो बिल्कुल नहीं। आर यू ओके? क्रोकोडाइलस पोरोसिस, ये एक सॉल्ट वाटर का क्रोकोडाइल है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। हाँ, पर ये वाला तो रिकॉर्ड तोड़ देगा। मगर ये आया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया का है, मगर अब सारे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया है। क्रोकोडाइल्स हजारों लोगों को मारते हैं, पर इस साल कुछ ज्यादा लोगों को मारा है। ये तो डायनासोर लगता है, देखो इसे। 30 लाख ईयर्स ओल्ड, दुनिया के सबसे पुराने एनिमल्स में से एक, लेकिन कभी इतनी दूर तक आते नहीं सुना था। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्या वो फिर से अटैक करेगा? 20 फुट लॉन्ग, इसी तरह सबको खाते रहेगा, इसको तो पकड़ना ही होगा। ही इज डेंजरस। हेलो। हाय, मैं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, I'm sorry, सबने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। लोग जो कह रहे हैं वो झूठ है चैंपू। वहाँ कुछ और ही है, पर वो यकीन नहीं करना चाहते। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और मैं भी। चैंपू, आती हूँ। I have to go. कल फोन करना। ओके। मैं मॉली से बात कर रही थी। अंदर चलो, काफी देर हो गई है। कितने मासूम लगते हैं। हाँ, मासूम ही होते हैं, बड़े हो जाने पर नहीं। ये अलग तरह के हैं। जो कल हमने देखा वो किसी और जमाने का था, पुराने जमाने का एक डेंजरस मॉन्स्टर। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे 10th बर्थडे पर एक बेबी क्रोकोडाइल दिया था, एकदम ग्रीन कलर का और 6 इंचेस लंबा। उनका होगा, पालने लायक नहीं है। वो मेरा हैमस्टर खा गया। ओप्स। तो हमने उसे जू को दे दिया, और फिर एक लाल पूछ वाला बोआ ले आए, वो सही था, 10 फीट लॉन्ग, और किसी बड़े डॉग की मेरा पूरा घर गंदा करता था। हर 15 दिन में उसे जिंदा रैबिट खिलाने पड़ते। तुमने ऐसा किया? नॉट एनी मोर। बड़ी होकर मुझे उससे घिन आने लगी थी। ये तो अच्छा हुआ, कौन एक किलर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। जैक, सर्जन डैंग। I'll just come. Yes. कॉफी चाहिए? हाँ, दो बना देना। क्रोकोडाइल मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। जैक, तुम न्यूज देख रहे हो? नो। टीवी ऑन करके देखो, अभी शायद चल ही रही होगी। और पुलिस जो समझ रही थी कि ये हमले किसी लोकल क्रोकोडाइल ने किए हैं, हमारे कैमरामैन द्वारा ली गई ये तस्वीरें देखकर लोग हैरान रह गए। ये एक असली क्रोकोडाइल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाव में बैठकर मछली पकड़ने वाले को इसका पता नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। हमारे टेक्नीशियंस का अनुमान है कि इसकी लंबाई कम से कम 20 फुट की है। ओह नो, तुम इसका पीछा करोगे? गवर्नमेंट ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा। मैं समझता था तुम इस बात को छुपाए रखना चाहते हो। वेल, हालात बदल गए हैं जैक, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुमने अपने पैसों में से 50,000 इनाम रखा है? तुम बिल्कुल भी मत घबरा, पैसे पूरे मिल जाएंगे। इससे तो इस प्रॉब्लम पर लोगों का ध्यान और बढ़ेगा। सारा शहर इस क्रोकोडाइल के बारे में जानता है, इससे छुटकारा पाने के लिए इनाम रखना जरूरी है। तुम्हें पता है पिछले 1 घंटे में कितने शिकारियों का फोन आया है?
300 से ज्यादा। हम इस सिटी को फेमस कर देंगे। लोगों को मरना है जो पानी में उतरेंगे। अरे पानी के बारे में कौन सोचता है? फ्लोरिडा में शार्क मछली कितनों को खा जाती, फिर भी लोग वहां जाते हैं ना। यकीन नहीं आता इतने लोग उसके पीछे पड़े हैं। 50,000 रुपीस कुछ कम नहीं होते हैं। इनका काम होने तक कोई भी एनिमल जिंदा नहीं बचेगा। और उसमें काफी सारे हंटर्स भी होंगे। I'm sorry, कल मैंने तुम्हें गुस्सा किया। कोई बात नहीं, किसी को भी गुस्सा आ जाता। This is crazy. सचमुच यकीन नहीं आता। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? हमें इस क्रोकोडाइल की तरह सोचना पड़ेगा। क्या तुम उसकी तरह सोच सकती हो? पानी के नीचे तो नहीं। वो पानी में नहीं है। वो खाते हैं, फिर सोते हैं और फिर खाते हैं। तुम्हें कुछ लगा? वो यहाँ प्लांट पर नहीं आएगा। छिपने की जगह नहीं है। वो लगून की तरफ जाएगा। वो पानी में उतरा होगा। और क्या? उसके कान बड़े तेज हैं। मैं घंटों से यहां खड़ा हूं, तुमने 10 सेकंड में खेल बिगाड़ दिया। तो तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? क्योंकि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूं। जरा अपना हाथ दो मुझे। ओके रेडी, 1 2 3। You're really stuck. Come here. मैं पिछले 9 महीने से इसके पीछे हूँ और आज कीचड़ में फंस गया। वो तो इससे पुरानी जान पहचान है तुम्हारी। हाँ ऐसा ही समझो। स्टेनलेस स्टील मुझे काटेगा तो उसके दांत टूट जाएंगे और मैं उसे भून के रख दूंगा। सॉरी हॉकिंस, क्रॉक हॉकिंस। एवेलिन नामबोंग और यह है जैक। जैक, जैक मैकवेट। जैक पानी से बाहर निकलो तो बेहतर, उसे लौट के आने की बुरी आदत है। कि बफलो भी यही करता है। तो तुम कब से? मार दिया, मैंने उसे मार दिया। चलो जल्दी। नजर आया क्या? देखो मरा है कि नहीं। मैंने इसे पकड़ लिया। इधर आओ जल्दी जल्दी। जिस क्रोकोडाइल को तुमने मारा वो फालतू है। पकड़ लिया मैंने, मेरा ये। वो मेरा क्रोकोडाइल था। किसे परवाह है? 50,000 रुपए मेरे दोस्त। अगर तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी करना चाहते हो तो उसे कहो पानी से बाहर आ जाए। और तुम किस खेत की मूली हो?
उसका पीछा करे क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसकी फोटो है। क्या है? Okay? सब कुछ चलेगा। उन्होंने न्यूज देख ली है। कान्या याद है तुम्हें? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। थैंक्स। ओह, ये तो बहुत प्यारी है। वाओ। आई होप ये ठीक है। सोनी को गुस्सा तो आएगा पर उसे पपीज पसंद है। चलो मेरी गुड़िया, तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो तुम ठीक हो? तुम आए तो अच्छा लगा। कुछ पियोगे? हाँ, इस दारों के सिर्फ हम दोनों ही हैं। तुम्हारी याद आई। हाँ, मुझे भी। वो कब तक यहाँ शिकार करेगा? अगर इतने दिन रहा है तो इसका मतलब यहाँ उसने स्टोर रूम बना लिया है। स्टोर रूम? एक गड्ढा जिसमें वो अपने शिकार जमा करके उन्हें सड़ने देता है। जब उसे वो ठीक लगने लगते हैं तो खाना शुरू करता है, ज्यादातर पानी के नीचे। तो उसे ढूंढते कैसे हैं? इसी सवाल के जवाब में 50,000 छुपे हैं ना। तुम्हारे पार्क में कितने क्रॉक्स हैं? वो वहां आएगा क्या? वेल, वो बड़ा रंगीन मिजाज है। लगता है जिस क्रॉक को आज उसने मारा वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। चाहिए? नहीं, बस काफी है। तो तुमने कितनी थाई लड़कियां बताई हैं? बस? हाँ, बस बस एक। मुझे यकीन नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ। इसका नाम क्या था? शैम्पू। तुम बड़े होशियार हो। क्या? ओके, तुम बताओ अभी तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? बहुत सारे। बहुत सारे यानी कि कितने? यानी कि एक भी नहीं। वो क्या कर रही है? घर के नीचे किसी पर भौंक रही है। उसे कोई स्मेल आ रही है। किस तरह की स्मेल? कोई केक रहा होगा। बता भी सकती कितनी गंदी स्मेल है। और क्या कहते हो? क्या नहीं, वहाँ से बाहर निकलो। डरावना था। बार बार फर्श से निकलकर मुझे और मेरे पपी को काटना चाह रहा था। फिर तुमने क्या किया? मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। वो बहुत बुरा था और मैं बहुत डरी हुई थी। क्या तुम लोग अब भी उस घर में रहोगे? सवाल ही नहीं है। मैं तो अब पानी के नजदीक भी नहीं जाऊंगी। जब तक उसे पकड़ेंगे नहीं मैं बिल्डिंग में रहूंगी। आई एम जस्ट ग्लैड मैंने जाके क्रॉक फार्म पर रहकर कुछ चीजें सीख ली थी। तुमने क्या किया? हम सब बस पीछे चले गए। पॉलिटिशियन के जैसे बोलता है। कम से कम फॉर्म की तारीफ तो की। देखा उसने घर की क्या हालत कर दी। क्या कहना है? वो इसका फायदा उठाकर अपने पार्क की पब्लिसिटी कर रहे हैं। आज ही उसे टैक्स न भरने के लिए पकड़वाता हूँ। वो टैक्स भर चुका है। वो उसकी बहन है ना साली, वही उसे हर बार बचा लेती है। उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। ये काम आसान नहीं है। और कोई रास्ता है? तुम अपना सब कुछ गंवा देना चाहते हो? नहीं। तो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें मजा आ रहा है? बहुत। ये कब से है तुम्हारे? 3 साल से, चिंगमाई से लाया। चलो अब तो हमारा पार्क बंद नहीं करवाई। ओ, उसे जॉब से निकाल दिया गया है। कौन सॉन्ग? हाँ, तुम ठीक हो? मजा आ रहा है। इसकी पीठ की हजामत कर दो। हाँ, करनी तो पड़ेगी। अरे वो क्या है,
रुको रुको। तुम क्या कर रहे हो जैक? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया जैक। वो कल रात यहाँ आया था जैसा कि हॉकिंस ने कहा था। तो कल रात वो आया था? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ऐसा लग रहा था। वो दोबारा आएगा? नहीं, मुश्किल है, वो अब जवान नहीं है। सुनो, मैं अपनी बोट लेकर कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ जो उसे जानते हैं। तुम अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को लेकर साथ चलोगे? तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है? तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? मैं सूट पहन लूं कि नहीं ये जानने के लिए। तुम कुछ भी पहन के आ जाओ। और आज एक को मारने जा रहा हूँ। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। हाँ, इस दुनिया में बस इंसान रह जाएंगे और कोई एनिमल नहीं। तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। वो क्या पी रहा है? ना पूछो तो बेहतर है। ये लो, ऑरेंज जूस वोडका मार के। थैंक्स। ये हुई ना बात। ये सब लोग कौन हैं? तुम्हारे इतने दोस्त तो नहीं हो सकते। मुझे बड़ा बोरिंग समझते हो ना? तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो। ये वो हैं जो तेज दौड़ नहीं सके, जल्दी से सोच नहीं सके, जो ज्यादा फास्ट तैर नहीं पाए। क्या इन सबको उसने मारा? इतना ज्यादा बेरहम भी कोई हो सकता है? यकीन नहीं आता। इनको लगा कि अपनी फोटो खिंचवा कर ये अमर हो जाएंगे, लेकिन एक तरह से ये अमर हो ही गए हैं। मैं इन्हें जिंदा रख रहा हूं जब तक वो खूनी ब्रॉक पकड़ा नहीं जाता। ये इंतजार में है। किसके इंतजार में? आगे बढ़ने के। ये लोग नाव में रहते हैं, सदियों से ये पानी में रहते आए हैं। कैनी को सुनामी के बारे में पता था? हाँ, ये सभी साइंस जानते हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, इसीलिए अब तक जिंदा है। पीछे की रस्ती पकड़ना। ओके। सस्तिकप, ये एडमिरल हैं, हमारी भाषा कम जानते हैं। ये जगह खतरनाक है। ओह, सो क्यूट। मैं काटना। मनी डर मेरा ये डू। พี่ชายพี่กระทุ่มจระเข้ตัวนี้แล้วคาตายเหมือนกันเธอฮัสเป็นยี่สิบตัวนี้ทุกคนเป็นเพื่อนของคุณใช่ไหมใช่ตัวนี้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 ต
पासवानों को मार डाला, वो साला यही आ रहा होगा। इन्हें लगता है वो शैतान का रूप है। तुम जानते हो वो इस वक्त कहाँ है? इसका मतलब क्या है जेंडू? एक एंजल। उन्हें लगता है मैं उनके दुश्मन को मार दूंगा। तो क्या ऐसा नहीं करोगे? जरूर मारूंगा। और कुछ नहीं बस चाहिए, कॉफी चाय बियर। हे जैक, क्या हाल है? hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस हम निकल रहे थे। आओ यहाँ पे बैठ जाओ और हमारा बिल भी पे कर दो। थैंक यू वेरी मच, मैं उस टेबल पर जा रहा हूँ। उसके मत सुनो, मेयर ने हमें खाने के और रात को होटल में ठहरने के लिए पैसे दिए। ये पहला ईमानदार पॉलिटिशियन लगता है। ये कल के पैसे भी जोड़ दिए ना, जो ये बिना चुकाए भाग गया था। सब मिला दिए, पर अगली बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लिसन गाइस, हमें चलना चाहिए। ओके, फालतू टाइम पास नहीं, हमें बहुत काम करने हैं। सुनो, वो बाहर जा रही है, नीले रंग का टॉप है और साथ में उसका मैनेजर भी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छे लोग लगते हैं। हाँ, अकेली सारा बिजनेस देख रही है, मानना पड़ेगा। हाँ, ये काम आसान नहीं है। सीओ तो शैम्पू पर फिदा हो गया। हाँ, और होगा क्यों नहीं, बताओ। ठीक है, पर उसकी एज कम है। क्या कर रहा है वो? भागो जल्दी। Let's go. तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाओ। आर यू ऑल राइट? राइट। घबराओ मत, एम्बुलेंस आ रही है। You know, आज वाकई बहुत मजा आया मुझे। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन लेकिन क्या? जरा सोचो, अब झगड़े की कोई वजह नहीं रही। रियली? ये क्या किया? इट हर्ट्स। मजाक मत करो, मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद था। जैक, तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है उस तरफ। क्या? वो ठीक तो है? पता नहीं, मैंने बताया ना, उसने हमें कुचलने की कोशिश की, कार को टक्कर मारी और भाग गया। तुम ठीक तो? ओके, हाँ, हम लोग बाल बाल बच गए। क्या हुआ था? उस ट्रक वाले ने हमें कुचलने की कोशिश की। कहाँ गया वो? पता नहीं, भाग गया होगा वो। तरफ भाग गया। इसका क्या हाल है? मैं नहीं कह सकती। जानता हूं तुम सुन रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी सिस्टर पर हमला किया, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? यू विल हैव टू पे फॉर दिस। पुलिस आ चुकी है।
दो। शट अप जाओ, इधर आओ। कैब, हम लोग कसीनो जा रहे हैं, देर से आएंगे, तुम नहीं चलोगे? ना, चौंक को अंदर ले जाओ प्लीज। किस पर भौंक रहा है? पता नहीं, स्टूपिड डॉग है, सुबह से भौंक रहा है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा ही पैसा उड़ाना। सर एम्बुलेंस भेजो। आप कौन बोल रहे हैं सर? अरे मैं कॉन्सोल बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपना एड्रेस बताइए सर। प्लीज अपना एड्रेस नोट कराइए। हेलो, आप हमारी बात सुन रहे हैं? आप वहां पे हो सर? हेलो हेलो, सॉरी आपको ये देखना पड़ा मैम। ये कब तक साफ हो जाएगा? आज शाम तक। थैंक्स ऑफिसर। क्या वो इतनी दूर से किसी को सूंघ लेते हैं सर? हाँ, मैंने उन्हें 5 मील दूर जाकर शिकार करते हुए देखा है। लगता है ये फिर से पानी में चला गया, लेकिन वो यहां से गया किस तरफ होगा? वो गोल घूम रहा है। उस बच्चे को साउथ हार्बर के पास मारा, वेस्ट में बीच पर 2 लोगों को, शिकारी को ईस्ट में, और अब इन दोनों को यहाँ पर। मेरे हिसाब से वो इस बड़े आइलैंड पर होगा, इस नदी के मुहाने पर, इन सब शिकारों के ठीक सामने। तो मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ। नहीं, इससे हम खुद ही निपटेंगे। इनाम के लिए? इन
नाम की बात नहीं, बदला लेना है। सिर्फ इतना ही। शुरू किया तो बहुत मैं वापस पीछे ले जाएगा। क्या हम उसे जमीन पर से नहीं देख पाएंगे? एक छोटा सा गड्ढा होगा। तो चलो तैयार हो जाओ, तुम जोड़ियाक में हमारे पीछे आना। अगर उसने बोर्ड पर हमला किया तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चुप करो। देखो ज्यादा होशियार मत बनो, ये इलाका उसका है, तुम्हारा नहीं, समझ गए? संभल के रहना। वो कितनी देर तक नीचे रह सकता है? एक घंटा, इंतजार में हो तो और ज्यादा। हम कितना बड़ा गड्ढा देख रहे हैं? इतने बड़े क्रॉक के हिसाब से 3 या 4 फुट का। साथ होना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दे रहे। गहराई कितनी है? पता नहीं, शायद 10-20 फीट, शायद उसे वापस ला सके।
तुम्हें लगता है वो अब भी जिंदा होगी? पता नहीं, उनके बचने की कुछ भी उम्मीद है? शायद, आ देखते हैं। एलिसन, 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 वो जैक है, वो वहां नीचे है, मेरे पीछे आओ। कैसी जगह है? एलिसन, 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 जाने का दूसरा रास्ता ढूंढो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। काट दो, क्या नहीं, ऐसा नहीं, काट दो वरना वो मर जाएगा, ऐसा नहीं, काट दो पैर, नहीं तो मर
बच गए। बाल बाल बचे जैक, तैरने की कोशिश करो जैक। तुम भी ना। अजीब हो। वो कैसे हैं? इन सब मरे हुओं की तस्वीरें रखी हैं तुमने? ये सब मासूम लोग थे। एनिमल्स का नेचर है दूसरों से अपना बचाव करना, जैसा कि इंसान आमतौर पर करते हैं। और उनमें से तुम एक हो। हाँ, मैं। और उसी वजह से तुमने अपनी एक टांग खोई। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं नेवी में ट्रक चलाया करता था तब हुआ। Ha 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 ha